बराबर माना जाता है उसे कहते हैं महारथी। लेकिन एक ऐसा योद्धा जिसके पास 12 महारथियों से भी अधिक शक्ति हो उसे कहते हैं प्रचंड पराक्रम की प्रशंसा करते हैं। आज से तुम तीनों लोगों में इंद्रजीत के नाम से विख्यात होगे, जिससे इंद्र की ख्याति सर्वदा के लिए कलंकित रहेगी। अब हम तुमसे स्वर्गलोक की व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवराज इंद्र को मांगते हैं। पितामह, आप स्वयं मांगने आए हैं तो इंद्र को लौटा दूंगा, परंतु उसके उपलक्ष में मुझे क्या बोलोगे? इस उपलक्ष में तुम जो भी वरदान मांगोगे हम तुम्हें देंगे। तुम्हें पितामह, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अमर कर दीजिए, मेरी मृत्यु कभी ना हो। ये असंभव है इंद्रजीत, क्योंकि ये प्रकृति के विधान के प्रतिकूल है। अरे मानो तो क्या देवता भी अमरत्व प्राप्त नहीं कर सकते? हाँ, हम तुम्हें इतना वर देते हैं कि जब भी तुम अपनी कुल देवी निकुंभिला का तांत्रिक यज्ञ करोगे तो उसकी होम अग्नि में से एक दिव्य रथ प्रकट होगा, जिसके घोड़े मन की गति से चलेंगे और तुम्हें ब्रह्मश्री नामक अस्त्र भी प्राप्त होगा। तुम जब भी उस रथ पर आरूढ़ होगे कोई न तुम्हें परास्त कर सकेगा न मार सकेगा। हमारा ये वरदान स्वीकार कर लो वत्स। मुझे स्वीकार है।